अंकल मैं कॉलेज से आ रहा था, मेरा चलान हो गया था गाड़ी का, तो मैं कॉलेज से आ रहा था। कॉलेज से आते आते मैंने रास्ते में उन्होंने फोंटे चौक के पास ना पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो मैंने जब गाड़ी साइड पे रुका ली तो एक पुलिस वाले ने आगे ना मैंने गाड़ी वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था ट्रैफिक करके मैंने गाड़ी साइड पर अपने अपना पवेलियन के साथ में रोक ली थी। तो इनमें से एक पुलिस वाला आया, उसने सीधा गाड़ी पर ना जोर जोर से पंच मारने लग गया एकदम से। तो मैंने उसको कहा कि मेरी सीट बेल्ट लगी हुई था, सीट बेल्ट उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा गाड़ी से बाहर। जैसे मैंने शीशा डाउन किया उसमें यहाँ पे पंच मारा पहले। तो जब पंच मारने के बाद जब मैं बाहर आया गाड़ी से निकल के, तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला जब पुलिस वाला बैसने लग गया मुझसे ज्यादा, मैं अंकल को बुला लो मैं कर लेता। जब उन्होंने कह रहे कि अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखाओ, तो मैंने इसको एडवाइस दी कि मैं अंकल मेरे पास सारी FIR भी पड़ी हुई गाड़ी में, मैं जो भी मेरा एक्चुअली मेरा थोड़े दिन पहले वॉलेट लॉस हुआ था उसमें सारा लाइसेंस पैन कार्ड सब कुछ था। कह रहे कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा, तो डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की उन्होंने कुछ सुनी नहीं। तो एक पुलिस वाला आया, तो मैंने कहा मेरे अपने फोन में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, फोन मेरा गाड़ी के अंदर पड़ा था। जब मैं फोन उठाने के लिए गया उनमें से एक दूसरा पुलिस वाला ट्रैफिक वाला, उसने सीधा मेरा फोन उठा लिया वहां से अपने पॉकेट में रख लिया। तो मैंने जब उससे मांगने की कोशिश की मैं फोन मांगने, तभी उसने मेरे मुंह से चांटा मारी बहुत जोर थी। अभी तक नहीं मिला, 2 दिन हो गए यहाँ से धक्के खाते हुए उनके, यही पुलिस वाले कचहरी में यहाँ की। थाने में मैंने उन्हें पापा से कंप्लेंट हुई थी, जब पापा को पहले इमेज मेरा यही था, उन्होंने सभी जगह वीडियो भी वायरल हो गई हुई है हर जगह पे, हर साइट पे हर सबके पास वीडियो आ गई। तो मतलब एक तो खुद की रेपुटेशन नहीं हुई है। अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े भी हैं, अगर तब भी नहीं चेक करे, तब भी मेरा उन्होंने लाइसेंस का चलान काटा, मेरी गाड़ी की RC अपना सब को A to Z चलान काटे मेरे, जबकि मेरे पास उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट पड़े थे। आज यहाँ पे मैंने इंसाफ मांगने थे सर के पास, पुलिस अंकल के पास आए थे, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर के पास आए थे इंसाफ मांगने के लिए, ताकि मेरे को ये है कि पुलिस वाले ट्रैवलर किसी और के साथ मतलब वो ना इंसाफी ना करें जैसे मेरे साथ हुई है। तो उम्मीद है आपको क्या इंसाफ मिलेगा? उम्मीद देखते हैं, अभी जाना अंकल के पास, अगर मैं तो वही कहता कि इंसाफ मिले हर किसी को। अगर मेरे को ये है कि वो पुलिस वाले सस्पेंड होना चाहिए।